मेरे को अभी तक 700 भी पसंद नहीं आया मैंने 700 भी चला ली मेरे को इसके ऊपर वो गाड़ी बिल्कुल नहीं लगती फीचर इतने दे दिए फिर भी गद होकर बांध के चला रहे हैं लोग उसको तो दो से पहले जो गाड़ियों की क्वालिटी आती थी ना वो अनमैचेबल अगर आपकी गाड़ी वारंटी से बाहर है आप कंपनी में कदम ही मत रखना मैंने ई सी यू भी वो वाला लगा दिया फेस लिफ्ट के साथ इसकी पावर भी बढ़वा दी मैंने आप मानोगे नहीं मेरे को एंडेवर से बेटर स्टेबिलिटी लगती है इस गाड़ी में हेलो भाई हमने भाई टाटा के फैन बॉयज बहुत देखे भाई के फैन बॉयज बहुत देखे लेकिन क्या कभी आपने महिंद्रा के फैन बॉयज देखे हैं? नहीं देखे ना आज दिखाना चाहूंगा भाइयों को आओ भाई फैन बॉय आ जाओ शुभम सागवान भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनको हम ट्रू एक महिंद्रा फैन बॉय बोल सकते हैं क्यों भाई भाई बिल्कुल दो साल पहले यही गाड़ी लेके आया था दो साल पहले ये नहीं लेके आए थे आप दूसरी पर नाम यही था भाई भाई ये एक सीवी पाँच सौ जल्दी जल 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 भाई का पूरा बायो डाटा बता देता हूँ आप खुद बता दो भाई नमस्कार मेरा नाम शुभम सांगवान है मैं गुड़गांव में रहता हूँ शुरू से पहले दस साल मैंने पूरी जो एक एक है एक करी ढाई लाख किलोमीटर चलाने के बाद उसको मैंने मजबूरी में बेचा है क्योंकि उसके दस साल पूरे हो गए थे नहीं तो मैं उसको बिल्कुल नहीं बेचता और भाई भाई का हमने उस गाड़ी का जिसकी बात कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था बहुत मंदे टाइम दो हजार इक्कीस के परल में जैसे गुड़गांव में करवाई हमने शुरू से चोर बैठे हैं एक नंबर के फॉर्च्यूनर आपकी इतनी आवाज करेगी इनोवा सब बताते हैं हाँ। कि लॉन्ग टूर के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी तो ओवरहाइब्ड लगती है वो हमें एक हिसाब अच्छा। से हां 5 साल तो आपको ये गाड़ी कुछ कहेगी नहीं आपको डेढ़ लाख किलोमीटर तक ये गाड़ी आपको कुछ नहीं कहेगी ये चलाने के बाद आप कोई गाड़ी नहीं ले पाओगे दूसरी एक्सयूवी बेच के फिर से लेना भाई मुझे लगता है इस गाड़ी से कुछ की प्यार है क्या? अब मैं करता हूँ होते होते एक और एक्सीवी खरीदी थी पहले ये आई थी उसके कई महीनों बाद वो गाड़ी बिकी है मेरी अच्छा पूरा एक साल हो जाएगा मेरे को खरीदे हुए और एज अ यूज कार मैंने इस गाड़ी को परचेज करा था और इसके पीछे की ना बड़ी लंबी कहानी है कैसे कि मेरे को एक नई गाड़ी खरीदनी थी क्योंकि बस मन था रोज भाई मेरी बहुत रनिंग है हाँ। अगर मैं घर से निकलता हूं, मेरी साठ सत्तर किलोमीटर कम से कम गाड़ी चलती ही चलती ऐसा है ऐसा क्या काम धंधा भाई का भाई कॉलेज जाते हैं फिर इतनी रनिंग कॉलेज हाँ वालों रनिंग भाई बिल्कुल है अच्छा। और फिर साथ ही साथ भाई यू था कि एक डीजल की गाड़ी चाहिए थी और मेरे को ना बहुत तगड़ी चुल मची हुई थी कि मैं एक ले लेता हूँ अब ऑटोमेटिक गाड़ी घर में कभी अपने ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं खरीदी थी ओके हमेशा से मैनुअल गाड़ी चलाई और भाई मेरा जितनी रनिंग है ना मेरी है शहर के अंदर शहर के अंदर क्लच मार 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 आदमी मर जाता है तो इस चक्कर में मेरे अंदर यूं थी कि भाई ले लेते हैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी महिंद्रा के ऊपर गया महिंद्रा इतने साल चलाई है तो यूं लगा एक नई गाड़ी ले लेते हैं महिंद्रा की उस टाइम सात सौ थी स्कॉर्पियो इन नई नई लॉन्च हुई थी और कहीं ना कहीं भाई मेरे दिमाग में थी एक बार थार ले ली जाए हाँ। सपना होता है थार बिल्कुल हर एक इंसान का सपना होता है थार डीजल ऑटोमेटिक ब्लैक कलर की मैं बुक कराया आया था साथ ही साथ मैंने एक बार किया कि देखी डीजल मैनुअल ये ये भी ले लेता हूं। ये गाड़ी अच्छी है माइलेज अच्छी है तेल थोड़ा कम पिएगी सोच समझ के दो महीना रेस्ट करके पापा ने बोला एक बार एक्सी जैसी गाड़ी नहीं है एक बार ट्राई कर तू ढूंढ ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक ढूंढ भाई कुदरती अब किस्मत होती है मेरे को एक गाड़ी मिली है ओ एल एक्स पे जिसपे कोई भरोसा नहीं करता है ओ एल एक्स पे मेरे को एक गाड़ी मिली है और फर्स्ट ओनर गाड़ी थी डायरेक्ट जो है ओनर से मिली है कोई डीलर वाला चक्कर नहीं था वो ऑटोस वाले, की बात कर रहे हो जहाँ पे एड हैं डाल जो, जो डालते हैं जो पुराना था ओजी जो बोलते हैं हाँ। वो ऑटोस वाला नहीं हाँ हाँ। उसके ऊपर जो है इसकी एड थी और मैं गुड़गांव में रहता हूँ गुड़गांव के अंदर ये गाड़ी थी रजिस्टर्ड थी मैं इसको देखा है सितम्बर में देखी थी मैंने ये गाड़ी पसंद आई मैंने पापा को बताया मैं गाड़ी अच्छी और उस टाइम केवल चौवन हजार ये गाड़ी किलोमीटर चली हुई दो हजार सोलह का वेरियंट वाला वेरियंट है आपको ये भी बता देता हूँ और इसके मतलब ये कई वेरियंट

नोन थे जिनको बेची और वो राजस्थान में रहते थे देखो ऑन साल की थी सिर्फ दिल्ली के से नहीं कटवाते तो आपकी फिर भी हाँ ये चीज बताओ एक बार थोड़ा लोगों को जैसे दस साल पूरे हो जाते हैं किसी हाँ। गाड़ी के तो मैसेज आता है टेक्स्ट मैसेज भाई बिल्कुल आ गया था आरटीओ से जैसे मेरी गाड़ी आपकी दिल्ली एनसीआर के रजिस्टर में गाड़ी है मेरी छब्बीस थी गुड़गांव नंबर थी अब पहले तो ये रूल नहीं था पहले हाँ। तो पंद्रह साल की आरसी कटती थी दस साल डीजल की तो अब कटने लगी है भाई पंद्रह साल की हमने भरी जैसे पंद्रह मई को उस गाड़ी को जो है पूरे रजिस्टर को दस साल हो जाते हाँ। हमारे पास मई की स्टार्टिंग में मैसेज कि पंद्रह मई तक का टाइम है तुम्हारे पास अच्छा इसकी एनओसी कटवा दो नहीं तो इसका नामो निशान मिटा देंगे हम कि ऐसी कोई गाड़ी इस नंबर की एग्जिस्ट कर स्ट्रिक्ट बहुत है ना दिल्ली रूल को तो फिर आपने वो बेच दी चार लाख रूपये की भाई मजबूरी में बेची ना बिल्कुल इसकी आने की इतनी खुशी नहीं थी जितना आज भी

अब जो भाई मेरे को वैसे जानते हैं मेरे को पहले से जानते हैं वो मेरी गाड़ी को भी जानते हैं उसके ऊपर मैंने 2400 नंबर चढ़वा रखा था उस टाइम से ये नंबर नंबर मिली थी पर यूं था भाई नंबर हमें खुद का चाहिए हाँ। तो भाई अब बाय चांस वो नंबर मिल गया इसमें मेरे को एच आर छब्बीस इजेड चौबीस सो मिल गया कितने का तो बाईस हजार कुछ की पर्ची कटी थी और फिर आगे पीछे गए यार मतलब जो पुरानी गाड़ी होती है उस पर भी हम अपना नया नंबर ले सकते हैं चढ़ा सकते हैं भाई नॉर्मल प्रोसीजर उसका भी एकदम जो पुराना नंबर होगा उसको हटा देते हैं लिस्ट हाँ, उसको हटाने के अलग पैसे कटते हैं आपके पांच कुछ रुपए उसके कटते हैं और नया जो आप नंबर लो उसके पैसे कटते हैं या मान लो जैसे आपस तो लेना है उसमें वो भी हो जाएगा या हो जाएगा वो बिना टैक्स के हो जाएगा क्योंकि स्टेट से आपकी वो रजिस्ट्रेशन बाद में निकले तो हम सेकंड हैंड गाड़ियों नया ले सकते हैं अपनी चोइस का बिल्कुल भाई

बिल्कुल मतलब ये बस केवल वीडियो और फोटो के लिए हम लोग हाँ, हाँ, तो लगती है ना अपना भाई, जैसे भाई, भाई, भाई का नाम शुभम सांगवान है तो सरनेम की मस्त लगती है हाँ तो भाई मैं भी करूंगा ऑर्डर कर लो स्टीकर सारी चीज मिल जाती है मैंने भी इनका बहुत नाम सुना है टेयर बिल्कुल बिल्कुल नहीं है शुभम भाई यार इस गाड़ी भाई इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं जाओ भाई यार अगर भगवान करे आपको असलियत तो में कभी दिख जाए गाड़ी तो आप देखना एक बार इतनी साफ गाड़ी भाई मैं बहुत जैसे रिव्यू वगैरह लेता रहता हूँ ना भाई <laughs> जैसे भाई का हमने पोलो का भी कर रखा है मैं बता हाँ। दूं भाई साहब इस गाड़ी जितनी मैंने साफ कोई गाड़ी नहीं देखी सोलह वेरिएंट होने के बावजूद हाँ कितने साल हो गए सात साल हो गए गाड़ी हाँ हो यार इतनी साफ सुथरी गाड़ी द रीजन भाई भाई अब कई लोग ना खुद को फेक कार एंथुजियास्ट बोलते हैं है। हमें गाड़ी चलाने से मतलब है गाड़ी भागने से मतलब है गाड़ी 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 यार गाड़ी मैं मोस्ट अपना टाइम भाई घर के गाड़ी के अलावा अंदर स्पेंड करता हूँ घर अगर साफ रखते गाड़ी भी तो साफ रखनी चाहिए हालांकि सीट कवर जो इसके अंदर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए और इसका आप दाम सुनोगे हैरान हो जाओगे और मैं क्या ही बोल कर दो हैरान हम होना चाहते हैं भाई सातों सीटों के और इसका जो स्टेयरिंग का कवर है इसके मिला के दस हजार रूपए आया था मैं काफी फन कर रहे हो मतलब जिंदगी में पैसे फैसा के अपने बहुत बढ़िया है भाई <laughs> रियलिटी में इसकी मतलब बहुत आप देखोगे ना भाई साफ सफाई सात लाख रुपए की जो एक बार बेच मतलब करके फिर से आप यही लेके आए और कोई चॉइस देखी ही नहीं आपने मैं एक और चीज बताता हूँ ये गाड़ी जिस दिन मैंने खरीदी ना मात्र पांच से सात दिन बाद एक और एक्सयूवी यू पांच हमने खरीदी है ताऊ जी के बेटे लिए अच्छा सेकेंड हैंड ऐसा क्या है भाई ये गाड़ी जो है ना सिंपल बात है जो भी एक सौ पाँच सौ के ओनर हो ना हुँ. मेरे अलावा किसी से भी पूछ लो या तो उनको सात सौ पसंद आएगी या हु. उनको कोई गाड़ी पसंद नहीं आएगी मेरे को अभी तक सात सौ भी पसंद नहीं आई मैंने सात सौ भी चला ली मेरे को इसके ऊपर वो गाड़ी बिल्कुल नहीं लगती महिंद्रा की मैं कह सकता हूँ मेरे को सबसे बेस्ट गाड़ी ये लगती है भाई क्योंकि सारी चीजें यार इसके अंदर स्टेबिलिटी जो मैं कह रहा हूँ ना आप मानोगे नहीं मेरे को एंडेवर से बेटर स्टेबिलिटी लगती है इस गाड़ी की अच्छा क्योंकि सस्पेंशन नहीं इसके बड़े स्टिफ है ये मैं फायदा भी गिन सकता हूँ नुकसान भी गिन सकता हूँ इस गाड़ी का अच्छा। जैसे हल्की बहुत ऑफ रोड होते हैं ना पत्थर वाले इलाके होते हैं उनके अंदर थोड़े घड़घड़ होती है बट ऑन हाईवे ना हाईवे पे इसकी सबसे मेन कॉम्पिटिटर इनोवा और इनोवा क्रिस्टा वो मेरे को आसपास भी नहीं लगती भाई इस गाड़ी का और मेरी जो पुरानी वीडियो थी ना मैंने उसके अंदर भी ये चीज बोली थी उस टाइम जो मैंने शूट करी थी अच्छा जैसे आपने, आपने इसको मैनुअल ट्रांसमिशन भी चला रखा है हाँ, हाँ. आपकी नजर में भाई मैनुअल मैनुअल ज्यादा फन टू ड्राइव है फन टू ड्राइव पावर के के मैनुअल अंदर फील ज्यादा होती है है माइलेज जो मैनुअल की बेटर है एक टंकी में ये 200 किलोमीटर कम चलती है मैनुअल से चलो ये एज अ प्रोडक्ट तो महिंद्रा की ये बहुत अच्छी गाड़ी है हाँ। मैंने भी बहुत सुनता रहता हूँ मैं इसकी बढ़ाई बट एज ए ब्रांड महिंद्रा का इसके ऊपर क्या टेक रहता है जब आप सर्विसिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग सिर्फ महिंद्रा की बात नहीं करूंगा सबके बारे में बताऊंगा मैं जितने कंपनी है इनस्टेड ऑफ मैं कहूंगा टिटा की सर्विस मेरे को बढ़िया लगती है उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी वारंटी से बाहर है आप कंपनी में कदम ही मत रखना वो ऐसे गाड़ी हाथ लगाने के भी पैसे ले लेते हैं वो लोग तो ये सीन है जब पुरानी एक सीवी की मैं सर्विस कंपनी में कराता था ना वो मेरी 2014 के टाइम 15 के टाइम भी जो है तेरह तेरह हजार ले लेते थे, थे ऐसे ही पता नहीं किस बात के बाहर इसकी मात्र मेरा जो बेसिक सामान आता है इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर और एसी का जो फिल्टर होता है ये सारी चीजें अगर मैं बदलू तो मेरा तीन साढ़े तीन हजार का सामान आता है हजार रुपए की लेबर लगती है पांच हजार रुपए में इसकी सर्विस डन हो जाती तो आप खुद ही करवा लेते हो पर वो दिक्कत है इसमें सर्विस रिकॉर्ड नहीं चढ़ता होगा भाई क्या चढ़ाने पुरानी गाड़ी में कौन देख रहा है इतना अच्छा जैसे आपकी पुरानी बिकी वो उसमें किसी ने नहीं नहीं देखा नहीं देखते भाई वो तो जब तक सर्विस करवाई करवाई देखो मेरा जो गाड़ी के ऊपर चीज होती है मेरी जो सर्विस करते हैं ना इस गाड़ी की वो महिंद्रा के अंदर ही काम करते थे पहले हमारे लेबर जो काम करते है मेरी गाड़ी के अंदर तो एक्सपीरियंस है वो महिंद्रा के एक्सी पांच वो एक्सपर्टीज थे तो भाई अगर वो लोग ना हो ना मैं नहीं रख सकता इस गाड़ी को अच्छा इतना कई बार इतना खर्चा मांग सकती है गाड़ी अगर कंपनी में आप कराओ तो और यार ये, ये कैसे है? पता करें हम कि गाड़ी ये बढ़िया डील मिल रही है हमको या फिर डीलर्स के हाथों में कई लोग फंस जाते हैं और एक्स सौ बीस पांच सौ पांच सौ फिर बड़ा पछताते हैं यार क्या ले लिया फिर उनका ना हाँ। फिर वो प्रोडक्ट से भी भरोसा उठ जाता है ब्रांड से भी भरोसा जाता जाता है 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 भाई हो डील कई होती है जिनका स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने किलोमीटर पर आपकी ये चीज बदली जाएगी चाहे कोई गाड़ी हो कितनी बढ़िया कंडीशन की हो और कहीं ना कहीं एज का भी फैक्टर होता है कई गाड़ियां ऐसी होती है की पचास भी चली होती है पचास किलोमीटर पर भाई किसी गाड़ी का सस्पेंशन का काम नहीं आता इन बड़ी गाड़ियों की बात करें पर अगर पचास किलोमीटर चली हुई है और गाड़ी सात आठ साल पुरानी है सौ परसेंट वो गाड़ी लेते ही आपका सस्पेंशन का काम आएगा क्योंकि टाइम टू टाइम ये सारी जो होती है ना ग्रीजिंग होती है इनके अंदर ऑयलिंग होती है सारा सूख जाता है सब लीक हो जाता है तो ये चीजें भी देखनी पड़ती है भाई बहुत अगर आपके पास बहुत तगड़ा दिमाग है ना लगाने को तो आप कभी उल्लू नहीं बन सकते पुरानी गाड़ी खरीदने में मैं तो यही बोलता कोई फर्स्ट टाइम तो क्या ही दिमाग लगाएगा एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज होती है ना अब आपको भी एक्सपीरियंस से ही सारी चीजें मिली है हाँ भाई वो कहते हैं माँ के पेट से तो कोई नहीं सीख के आता है अच्छा एक चीज और बताओ भाई मेरे को ना जैसे अब आपने साढ़े सात में ये खरीदी जैसे हाँ। बाकी जो आप बजट लेके चल रहे थे वो थार वार वाला उसमें तो अब फिर बड़ा मतलब ऐसे आपने बहुत ज्यादा पैसे बचा लिए यार ट्रिपल प्राइस दो ले, ले ली ना आप ये समझ लो थार नहीं थार के पैसे में हम दो एक्सी ले आए हाँ और अपना बड़ी आप मजा लो गाड़ी भी नहीं है ना यार छोटी भी नहीं दो एक सीवी एक है की एक बंदे के पास सिर्फ एक गाड़ी है एक है कि दो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं है एक बीस लाख की वरना खड़ी है एक जो है दस दस लाख की सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर खड़ी है तो फर्क तो तो, तो रहता है सेकंड हैंड गाड़ियों है। में बहुत फायदा है भाई भाई सबसे बड़ी बात सेकंड हैंड में ये फायदा होता है आप नई गाड़ी ले रहे हो ना नई खरीद ली शोरूम से बाहर कदम रखते उस गाड़ी के पचास हजार रुपए टूट जाता कम से कम और कई डील ऐसी होती है सेकेंड हैंड गाड़ियों में सबसे बेस्ट बताऊ डील जो दिल्ली एनसीआर जिनका दस साल वाला नियम नहीं होता उनके लिए सबसे बेस्ट होती है पुरानी गाड़ी खरीद रही ही ही। जिनके दिल्ली एनसीआर में दो तीन साल बच रहे हो ना मान लो मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ एक्स जेड उसके तीन साल बचे हुए हैं वो मैंने मान लो खरीद रही चार लाख रुपए की ठीक है और वो मैं एक साल चला लूंगा उसके तीन साल बचेंगे होंगे ना बीस पच्चीस हजार रुपए कम में भी बिक जाएगी वो गाड़ी इतने ही पैसे टूटते हैं और मैं उसके पूरे मजे भी ले लूंगा उस गाड़ी के ये तो है पर इसमें भी एक है। मुझे जो लगता है भाई सोम भाई यार अगर डील बुरी मिल गई हाँ, गाड़ी बुरी मिल गई फिर आदमी टेंशन का घर पाल लेता है अब सबसे बेस्ट चीज बताऊँ पुरानी गाड़ी का बजट लेके चलते हो ना पचास हजार रुपए साइड में लेके चला करो मान लो आपको कोई पांच लाख की गाड़ी लेनी है ना पांच साढ़े पांच लाख की गाड़ी लेने के बाद आपके पचास गाड़ी ले लो कितनी बढ़िया से बढ़िया कंडीशन की खरीदते हैं अगर आपको उसको परफेक्ट करना है लोग तो भाई जुगाड़ के ऊपर भी चला ले गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म रखनी है तो गाड़ी की ओरिजिनलिटी बनी रहनी चाहिए गाड़ी के अंदर पार्ट ओरिजिनल होने चाहिए हम बात करें कंक्लूजन की थोड़ी सी लिटिल लिटिल हाँ. तो भाई अगर ये भी एक्सपायर हो जाती है क्या एकचर रहेगी आपके एक्सवी 500 के ऊपर और फिर से भाई फिर बचेगी नहीं ना यार हाँ, फिर तो 19 20 21 में खत्म हो गई थी हां इसका मैंने फेस लिफ्ट करा के देख लिया जो लास्ट में आई थी या आगे डब्ल्यू 11 वाला मुंह है इसका हां और अच्छा। इसके अंदर बाद में पावर 155 कर दी थी 2019 में मैंने ईसीयू भी वो वाला लगा दो हजार के साथ इसकी पावर भी बढ़वा दी मैंने तो मैंने एक हिसाब से मजे ले लिए ना उस गाड़ी के भी मैंने उस तो, वाले पे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे आप पुरानी वाली पे पुरानी वाली भाई वो स्टॉक रखी थी हमेशा अच्छा उस गाड़ी में बाहर का कभी कुछ नहीं लगा जब ढाई लाख किलोमीटर महिंद्रा की गाड़ी ठीक ठाक चल गई बाहर का आप कुछ भी एक्सोजेड चीज करवा लो ना और गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म रखनी हो देखो गाड़ी आया तो आपके पास घर में हो चार पांच तो आप किसी भी गाड़ी में कुछ भी करवा सकते हो गाड़ी जब आपके पास हो ही दो और एक गाड़ी ये हो कि भाई आधी रात को आपको लेके निकलना पड़े कहीं भी दूर जाना पड़े सोचना ना पड़े तो भाई होती है ना कई चीजें महेंद्रा एक्सुवी फाइड वाले पर्टिकुलर या फिर पूरी महिंद्रा नहीं बस ओनली दिस नई जो गाड़िया आ रही है ना हाँ। आप इस चीज पे मेरे ऊपर भी अग्री करोगे जो गाड़ियों को आज की तारीख में अच्छे से परखते हैं ना 2015 से पहले जो गाड़ियों की क्वालिटी आती थी ना वो अनमैचेबल थी 2015 के बाद जो गाड़ियां आई ना उनकी क्वालिटी फीचर ठोक ठोक दिए एम आ गई फीचर इतने दे दिए फिर भी गदो के बांध के चला रहे लोग उसको तो फायदा नहीं है धन्यवाद और जानकारी चाहिए हो तो भाई भी यूट्यूबर हैं बता दो एक बार थोड़ा सा भाई अब आपके सामने शुभम <laughs> सांगवान शुभम सांगवान नाम से मेरा चैनल है और मैं ये मानना चाहूंगा भाई वो चैनल अगर है लोग मेरे को जानते तो मेरी पुरानी एक सौ पांच सौ की वजह से जानते हैं मेरे को मोस्ट जो पब्लिक तो है अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है उस गाड़ी को देखने में जिसने हमने उसकी तारीफों के पुल बांधे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाईयों थैंक यू सो मच